नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नारफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में। दोस्तों, नारफ्लॉक्सासिन टैबलेट एक तरह से फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक से बिलोंग करता है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये टैबलेट्स होती क्या हैं, इनके यूज़ कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं, इनकी डोज क्या होती है यूज़ के अकॉर्डिंग, एंड इसके कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस एंड कुछ हम लोग साइड इफेक्ट की भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नारफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स कैसे काम करती हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। दोस्तों, एक्चुअली मैंने आपको बताया कि एक प्रकार की फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक के क्लास से बिलोंग करने वाली मेडिसिन है नारफ्लॉक्सासिन, जो कि बॉडी के अंदर में, यानी कि आपके शरीर की नहीं जबकि बैक्टीरियल कोशिका के अंदर में ये पेनिट्रेट करती है और करने के बाद जो डीएनए गायरेज होता है उसका, उसको उसकी सब यूनिट को ये जो एंटीबायोटिक होता है इनहिबिट कर देता है, यानी कि डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाता। और चूंकि बैक्टीरिया के अंदर जब डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, तो कहने का मतलब ये बैक्टीरिया के अंदर डीएनए के रेप्लिकेशन को रोक देता है नारफ्लॉक्सासिन। एंड अगर इसके हम बात करें बायोअवेलेबिलिटी की, कि मतलब इसकी कितनी परसेंट डोज काम करती है, तो इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है ओरली वो 40% की होती है। एंड ये जो नारफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स होती हैं ये बॉडी के अंदर यूरिन और फीसिस के साथ में एक्सक्रीट होती हैं, क्योंकि ये यूरिन के साथ में ज़्यादा एक्सक्रीट होती हैं। तो जब भी आप ये मेडिसिन लेंगे तो कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोग प्रिकॉशंस में बात करेंगे कि किस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग ब्रांड्स की बात करें तो ये नारफ्लॉक्स के नाम से आती है, नॉर्लेट के नाम से आती है, और भी इसकी बहुत सारी ब्रांड्स, और साथ में आप देखेंगे कि जेनरिक मेडिसिन भी आती है। आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं जो भी आपको सस्ते से मिलती है और आसानी से आपको अपने मार्केट में मिल जाती है। वहीं पर अगर हम इसके यूजर्स की बात करें तो इसका यूज़ हम लोग बहुत जगह करते हैं, जैसे हम इसका यूज़ यूटीआई में करते हैं, यूरोजेनिटल इन्फेक्शन में भी करते हैं। अगर मान लीजिए कि यूरिनरी सिस्टम से आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपके जेनाइटल पार्ट में, वहाँ पर भी नारफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स यूज किया जाता है। टाइफाइड फीवर में भी इसका यूज किया जाता है, साथ में जो एक्यूट बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, यानी कि आपके बॉडी में आपके जो जीआईटी है अगर उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर भी हम लोग इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। साथ ही में इसका यूज़ गोनोरिया में भी किया जाता है, जो कि नेसेरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया से होता है, जो कि एक प्रकार से कह सकते हो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो उसमें भी हम लोग नारफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स देते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। एंड जो न्यूट्रोपैनिक पेशेंट है, यानी कि ऐसे पेशेंट जिसमें WBC की मात्रा कम है, तो उसमें सेप्सिस ना हो, उसके लिए भी नारफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स दी जाती हैं, क्योंकि एक एंटीबायोटिक है। तो जिसमें WBC की संख्या कम है उसमें सेप्सिस होने का खतरा रहता है, सेप्टिक होने का खतरा रहता है बॉडी में, तो उसको ठीक करने के लिए, कि ऐसी कोई संभावना ना बचे, तो नारफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स पेशेंट में दी जाती है। दोस्तों, ये बात हो गई कुछ यूजर्स की, जो कि थोड़ी सी डिटेल में अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके डोज की बात करते हैं। ये डोज जो होगी वो हर बीमारी में कैसी होती है वो ध्यान दीजिएगा। जैसे टाइफाइड फीवर की अगर हम बात करें तो टाइफाइड फीवर में जो नारफ्लॉक्सासिन टैबलेट है ये 400 mg टैबलेट दी जाती है, 400 mg की टैबलेट दी जाती है दिन में 2 बार, और वो भी 14 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए। वहीं अगर हम लोग UTI की बात करें, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की बात करें, तो यहीं पर 400 mg की टैबलेट इसमें भी दी जाती है डेली। एक्चुअली ये जो टैबलेट है रोग की सीवियरिटी पे डिपेंड करती है, ये भी टैबलेट जो है 400 mg की ट्वाइस दी जाती है, सुबह शाम दी जाती है पेशेंट में, वो भी 3 दिन से लेकर के 12 हफ्ते तक ये मेडिसिन चल सकती है, जैसा कि कहा कि जो सीवियरिटी है उस पे डिपेंड करता है। साथ में अगर गोनोरिया की बात करें तो गोनोरिया में 800 mg की टैबलेट दी जाती है और ये एक सिंगल डोज में दी जाती है पेशेंट के अंदर में। वहीं अगर एक्यूट बैक्टीरियल एंटेराइटिस की बात करें तो यहाँ पे 400 mg की टैबलेट दी जाती है पेशेंट में 2 से 3 बार, सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम, रोग के सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि कैसी डोज में दी जाएगी, और ये जो टैबलेट होती है 5 दिन के लिए पेशेंट में दी जाती है, जिससे उनकी बीमारी सही हो सकती है। दोस्तों, अगर हम लोग प्रोफाइलेक्सिस ऑफ सेप्सिस की बात करें, जो न्यूट्रोपैनिक पेशेंट हैं उसमें ये जो टैबलेट है 400 mg की टैबलेट ही दी जाती है, 2 से 3 बार दिन में दी जाती है, जो कि करीब करीब 8 हफ्ते तक दी जाती है, उससे भी लंबी चल सकती है अगर बीमारी सही नहीं होती है।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, तो सबसे पहली चीज़ अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी है फ्लोरोक्विनोलोन से या किनोलोन एंटीबायोटिक से या फिर नॉरफ्लॉक्सासिन से, तो आप इसको यूज़ ना करें। अगर आपको कभी कन्वल्जन्स हुए हैं, कभी मिर्गे का दौरा पड़ा है, तब भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं। एंड जब भी आप ये मेडिसिन ले रहे हैं, तो अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो मेडिसिन होती है ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होती है, तो आपको अपने बॉडी में जो हाइड्रेशन है वो इंश्योर करना है, आपको लगातार पानी पीते रहना है सही मात्रा में, और आपके यूरिनरी आउटपुट भी सही होना चाहिए, यानी कि आप यूरिनरी आउटपुट जो है वो सही से करें, यानी जो पेशाब है वो आप रेगुलर करें। एंड वहीं पर अगर हम बात करें इसके कुछ और स्पेशल प्रिकॉशंस की कि अगर आपको कोई रीनल प्रॉब्लम है तो आपको इसकी डोज रिड्यूस कर देनी चाहिए, आप जो है इसकी नॉर्मल डोज से कम डोज आपको देनी चाहिए। एंड पेडियाट्रिक्स की बात करें तो बच्चों में ये मेडिसिन यूज़ नहीं होती है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकती है, तो डॉक्टर से ज़रूर पूछें। लैक्टेशन की बात करें तो ये दी जा सकती है अगर डॉक्टर की सलाह हो तो, एंड एल्डरली पेशेंट में ये सेफ होती है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट में हम लोग बात करते हैं साइड इफेक्ट की। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको हेडेक हो सकता है, डिजीनेस की शिकायत यानी चक्कर आने की शिकायत देखने को मिलती है, स्किन पर रेशेस हो सकते हैं, हार्टबर्न की भी शिकायत देखने को मिलती है ज़्यादा नॉरफ्लॉक्सासिन लेने से, एबिनोमिनल क्रैम्प मतलब कि आपको पेट में क्रैम्प ऐठन देखने को भी मिल सकता है, महसूस हो सकता है, डायरिया हो सकती है, एनोरेक्सिया यानी भूख की कमी भी हो सकती है, एंड कभी कभी स्लीप डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप नॉरफ्लॉक्सासिन लगातार लेते हैं तो उनीदापन की शिकायत भी हो सकती है, आपको सोने में प्रॉब्लम आएगी, एनेक्जाइटी भी हो सकती है यानी चिंता इत्यादि का अनुभव आपको हो सकता है, साथ में इरिटेबिलिटी भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात करी नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स के बारे में सारी चीज़ें। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा, वहाँ पर हम लोग शॉर्ट वीडियो लेकर के आते रहते हैं जिससे आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।